अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ भुनेवा खाना। भुनेवा खाना तो हम कई किस्म से खाने को बघार लेते हैं, भुन लेके खाते हैं और बहुत मज़ेदार भी होता है इंशाल्लाह। आज भी एक हटके बताऊँगी मैं जो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। ये भुनेवा खाना खट्टा और स्पाइसी, चटपटा, बहुत मज़ेदार होता है। इसके लिए मैं ली हूँ एक कटोरा, एक बड़ी डिश से एक कटोरा राइस ली खाना पके हुआ। और इसके लिए मैं ली हूँ 1 टीस्पून नमक और 1/4 चम्मच चाय के चम्मच से हल्दी और 1 टीस्पून है लाल मिर्ची, 1 टीस्पून अदरक लहसुन। और इसके बघार के लिए मैं ली हूँ 1 टीस्पून जीरा है, कुछ करिया पके पत्ते हैं और सूखी 2 मिर्ची है। और इसके लिए खट्टा बना के रख ली मैं, एक छोटे कटोरे से मीडियम साइज़ का खट्टा निकाल के रख ली। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को कट कर ली। चलिए कुकर में रख दिया, और गर्म हो गया। इसमें डाली 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन ब्राउन होते ही मैं टमाटर डाल दी। टमाटर डालने के बाद अब इसमें डाल लेंगे नमक, हल्दी और मिर्ची। और करिया पत्त और लाल मिर्च। अब इसमें डाल देंगे खाना। तेज चूल्हे से खाना डालने के थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब इसमें जो खट्टा रखे थे वो डालें। और अगर आपको नरम नहीं होना है तो आप इसको ही पका ले सकते सीटी लगा लेके। और मेरे को थोड़ा नरम पसंद है, इसमें मैं और थोड़ा पानी डाल दे। अब इसका ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी होने के बाद निकाल के चेक करेंगे। 3 से 4 सीटी होने के बाद मैं चूल्हे को बंद कर दी और फ्लेम और इसका प्रेशर निकाल कर चेक कर दिया। और माशाल्लाह बन गया तैयार हो गया, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये बन जाता। और मैं थोड़ा सा नरम होना मेरे को इसलिए बनाई, अगर आप नरम ना होना तो पानी कम डाल लेना। ये खट्टा और चटपटा मज़ेदार होता है ये गरम गरम। चलिए भुनेवा खाना तैयार है, और इसको खटवा बोलते हैं। ये खट्टा डाल के बनाते हैं, इसके लिए इसको खटवा बोलते हैं। जो लेमन से भुनते हैं उसको लेमन राइस बोलते हैं, उसी तरह। और ये खट्टा और चटपटा मज़ेदार होता, जल्दी देर में तैयार हो जाता। और मेरे पास हरा धनिया नहीं है, कोथमीर नहीं थी, इसलिए मैंने डाली। अगर आपके पास है तो आप कोथमीर थोड़ी बारीक कट करके डाल सकते, और अच्छा फ्लेवर आता। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।